इस्लाम में इबोला, निपाह, सार्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च होती है। जनवरी में यहाँ के लैब के वैज्ञानिकों को माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस दिखा था। ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि यह चमगादड़ के करीब हो सकता है। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस की सार्स वायरस से समानता थी। सार्स की वजह से 2002 और 2003 में चीन में महामारी आई थी। दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था कि सार्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन ने इस वायरस को दुनिया से छिपा लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस भी इसी लैब से लीक हुआ? घोषणा के बाद कुछ दिनों बाद वो चिकन